Good evening, students. So in the previous lecture, we were discussing about triangular vector addition. I told you that what is the meaning of triangular vector addition. मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये आपका वेक्टर ए हो गया और दूसरा है ये आपका वेक्टर बी हो गया. बताइए दोनों किसमें हैं, सेम ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में है. देखिए वेक्टर बी का एरिया करेगा वेक्टर ए के एड को टच करेगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी किसमें हैं, सेम ऑर्डर में है, राइट. अच्छा एंगल बताइए कौन सा होगा, दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा. दस वुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये वाला एंगल जो होगा थीटा, दस वुड बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. अच्छा देखिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे टेन से टेन मिलाएंगे, राइट. तो ये आपका वेक्टर बी है, तो मैंने वेक्टर बी को इसके पैरेलल यहाँ शिफ्ट किया, तो ऐसे मैंने वेक्टर बी को इसके पैरेलल शिफ्ट किया. ये क्या है, वेक्टर ए का भी क्या है टेल है और वेक्टर बी का भी क्या है टेल है, तो दस वुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना. ये दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या होगा, एंगल होगा, ये थीटा होगा, तो ऑफकोर्स ये भी क्या होगा थीटा होगा. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना. तो जाना कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, हम दोनों के टेल से टेल मिलाएंगे और टेल से टेल मिलाने के बाद उनके बीच में जो शॉर्टर एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, राइट. और ये क्या था, ये आपका थर्ड साइड है किसका, ट्रायंगल का. देखो ये पूरा ट्रायंगल है, इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या करेंगे, ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे. और ये आपका थर्ड क्लोजिंग साइड है किसका, ट्रायंगल का. इजंट बताइए ये बी के साथ सेम ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में है. देखिए आर का जो हेड है वो बी के हेड को टच करेगा, तो आर और बी किसका रिवर्स ऑर्डर में है ना. तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया. और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर आर कितना होगा, वेक्टर आर आपका रिजल्टेंट होगा किसका, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का. तो वेक्टर आर का वैल्यू कितना आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट. देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, ए और बी क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे. रिजल्ट दोनों के साथ सेम ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैं लास्ट टाइम स्टडी किया था. अच्छा रिजल्टेंट आर का वैल्यू कितना आया था. अच्छा बताइए रिजल्टेंट क्या होता है, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट. ए और बी मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वही इफेक्ट आर जो है वो अकेला प्रोड्यूस करेगा. तो वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो आर का वैल्यू कितना आया था, आर का वैल्यू हमें बताया था आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा. ये हमारा रिजल्टेंट आर का वैल्यू आया था, राइट. और ये वाला जो एंगल हमें लिया था इसको हमने नाम दिया था अल्फा. अल्फा क्या था, टेंजेंट अल्फा. तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा में डायरेक्शन देगा, किसका डायरेक्शन देगा, आर का डायरेक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए. बताइए टेन अल्फा का डायरेक्शन क्या था, सॉरी टेन अल्फा का वैल्यू कितना आया था, टेन अल्फा का वैल्यू आया हुआ शायद बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना. टेन अल्फा का जो आएगा कितना आएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा. ध्यान रखिएगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको वेक्टर ए अज्यूम किया था और इसको वेक्टर बी अज्यूम किया था, ठीक है. इसको हमने क्या किया था, वेक्टर ए अज्यूम किया था और इसको मैंने वेक्टर बी अज्यूम किया था. तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना आया था, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा. तो ध्यान रखिएगा यहाँ वो वेक्टर आएगा जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा, है ना. तो रिजल्टेंट एंगल किसके साथ बनाया, ए के साथ बनाएगा. तो यहाँ ए आएगा और यहाँ दोनों जगह क्या आएगा, बी आएगा. अच्छा मान लो सपोज करो ये वाला आपका वेक्टर ए ना हो कि वेक्टर बी है, ये वाला मान लीजिए वेक्टर आपका कितना है, बी है, और ये मान लीजिए वेक्टर ए है. अब बताइए मामला क्या होगा, आप जो फार्मूला आपको बसाएगा वो आएगा टेंजेंट अल्फा, ठीक है. तो एंगल बी के साथ है तो यहाँ पे सिग्नल कितना आएगा, बी आएगा. और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा ए साइन थीटा प्लस वही कितना हो गया, ए कोस थीटा एंगल से, राइट. तो ये आपका रिजल्टेंट आर था और ये आपको क्या है, डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन होगा किसका, रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी. यहाँ पर आर का ये अल्फा में क्या देगा, आर का डायरेक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी देगा. और यहाँ पर मैं ये अल्फा क्या देगा, आर का डायरेक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए देगा. तो ये था मैं लास्ट लेक्चर में किया था, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा. आज हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कुछ भी नहीं है,
आपका प्रूफ जो है बेसिकली आइडेंटिकल रहेगा, दिस इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम क्या बोलता है, देखिए सेम ही है एक्चुअल में, ये आपको मान लीजिए ये वेक्टर ए मान लेता है, चलो इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया वेक्टर बी मान लिया, राइट। यहाँ पर वेक्टर ए है और ये क्या वेक्टर बी है, मैंने वेक्टर बी को इसके पैरेलल शिफ्ट किया, तो वेक्टर बी को मैंने इसके पैरेलल शिफ्ट किया, ये ए का भी क्या है टेल है और बी का भी क्या है टेल है, तो थ्री टाइम दोनों के बीच में क्या होगा एंगल होगा, राइट। सिमिलरली देखो ये वाला वेक्टर ए है, मैंने वेक्टर ए को इसके पैरेलल क्या क्या शिफ्ट किया, तो मैंने वेक्टर ए को इसके पैरेलल क्या क्या शिफ्ट किया, इन दिस वे वेक्टर ए इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, राइट। अभी क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम, क्या बना पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम है ना, बोलेंगे तो लगना भी चाहिए, तो ये बस क्या होंगे दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी जो है इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है ना, इन दिस वे दोनों किस में सेम ऑर्डर में है, दोनों किस में है सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, वो होता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर और द अपोजिट ऑर्डर है ना। देखिए आर का क्या है ये हेड है और बी का भी क्या हेड है, तो आर बी के साथ किस में है रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये वाला जो होगा जो पैरेललोग्राम होगा डायगोनल है वो क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है आपका रिजल्टेंट है। तो पैरेललोग्राम लगा कंडीशन क्या बोलता है, द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच आर रिप्रेजेंटिंग टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। क्लियर हो रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, द वेक्टर एडिशन या वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड या सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर वुड बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो डायगोनल है आर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा रिजल्टेंट होगा, उसमें क्या लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है या मैंने एरो के निशान लगाए तो ये वेक्टर एडिशन है, क्या है वेक्टर एडिशन, राइट। अब ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा जैसे मान लीजिए वैल्यू टू है इसका वैल्यू थ्री है तो आर का वैल्यू कितना किया टू प्लस थ्री कितना होगा फाइव हो गया, ऐसा मैं नहीं कर रहा है बेसिकली, ध्यान रखिएगा क्या होगा, हमें डायरेक्शन को भी बेसिकली काउंट करना पड़ेगा, राइट। चलिए उसका डेरिवेशन निकालते हैं, तो डेरिवेशन तो बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसे हमने कल निकाला था, क्या होगा यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल आपको क्या होगा 90 होगा, क्या होगा 90। अब ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें क्या निकालेंगे साइन थीटा और कोसाइन थीटा, ठीक है। जैसे नाम दे दीजिए आपको, जैसे मैंने इसको जेड नाम दिया, इसको मैंने वाई नाम दिया, इसको मैंने के नाम दिया, इसको मैंने एल नाम दिया, तो पहले हम छोटे ट्रायंगल में क्या निकालेंगे साइन थीटा कोसाइन थीटा, बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा छोटी वाली ट्रायंगल में, साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये कितना होगा के एल, तो ये आपका के एल हो गया, और दिस वन ये क्या है वेक्टर बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ना, तो के एल का वैल्यू कितना होगा के एल का वैल्यू होगा आपका बी साइन थीटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के एल, राइट। क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे वाई के का है ना, छोटे ट्रायंगल में क्या निकालना है साइन थीटा निकालना है कोसाइन थीटा निकालना है, तो जो कोस थीटा है बेसिकली कितना आएगा कोस थीटा आएगा वाई के है ना, अब हमें कितना आएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया तो वाई के कितना हो गया, वाई के का वैल्यू कितना आएगा ये आपका आएगा बी कोस थीटा, दिस इज द वैल्यू वाई के, तो वाई के वाई के का वैल्यू कितना है बी कोस थीटा और के एल का वैल्यू कितना है बी साइन थीटा। हमें निकालना क्या है, हमें तो रिजल्टेंट आर नहीं करना है, क्या निकालना है रिजल्टेंट आर, हम क्या करेंगे ये पूरा बिगर ट्रायंगल है दिख रहा है पूरा बिगर ट्रायंगल कौन सा जेड के एल, जेड के एल इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट। बताइए क्या होगा यहाँ का क्या होगा पूरा बेस होगा या कोटी सॉरी यहाँ का परपेंडिकुलर होगा और यहाँ कोटी होगा, तो कितना आएगा यहाँ आएगा जेड एल का स्क्वायर, जेड एल स्क्वायर इज हाउ मच
जेड के स्क्वेयर, और जेड के किसके इक्वल है, जेड वाई प्लस वाई के, तो यहाँ लिखेंगे जेड वाई प्लस वाई के होल स्क्वेयर हो गया, प्लस में ये कितना है, ये आपका के एल है, तो ये आपका कितना होगा, के एल होल स्क्वेयर हो गया। हाँ जी बताइए जेड एल किसके इक्वल है, अरे जेड एल तो आपके इक्वल है, तो हम जेड एल की जगह पुट करेंगे आर, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वेयर हो गया। हाँ जी जेड वाई, जेड वाई तो क्या है, वैक्टर ए है, तो ये कितना हो गया, वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया प्लस में वाई की, जैसे वाई की क्या है, ये वाई के है, तो वाई के का वैल्यू कितना है, बी को सीटा, तो वाई के का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, दैट कम्स आउट टू बी को सीटा, तो ये बी को सीटा का क्या होगा, स्क्वेयर हो गया प्लस के एल। हाँ जी बताइए के एल कितना है, ये आपका के एल है, और के एल कितना है, बी साइन थीटा, तो ये कितना आएगा, बी साइन थीटा होल स्क्वेयर, है ना। इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपका स्क्वेयर है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, स्क्वेयर रूट हो गया, यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, जैसे मैंने कल निकाला भी था, तो आर का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा, यहाँ से आपका आर का वैल्यू आएगा रूट ऑफ, इसका एक्सपेंड करो तो कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी को सीटा, यहाँ पर ऐसा आएगा ए स्क्वेयर आएगा प्लस में कितना आएगा, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आएगा प्लस में कितना आएगा, टू ए बी कोस थीटा आएगा प्लस ये कितना आएगा, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया रूट ऑफ, यहाँ से कितना आएगा, ए स्क्वेयर आएगा, ये स्क्वेयर हो गया। अभी काम करते हैं, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर को मैं निकाल लो, तो कितना आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस को साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो कितना होगा, ए स्क्वेयर प्लस में कितना होगा, बी स्क्वेयर हो गया प्लस में कितना होगा, टू ए बी कोस थीटा, तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट आर का वैल्यू कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा, और ये तो वही एक्सप्रेशन है जो हमने कहा निकाला था ट्रायंगल ऑफ एक्रीडेशन में, है ना, सिविल एक्सप्रेशन है जो ट्रायंगल ऑफ एक्रीडेशन है, उसे बेसिकली हमने ये वेक्टर बस ड्रॉ नहीं किए थे, राइट, कीप इन माइंड दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, चाहे वो प्लस वन में हो चाहे प्लस टू में हो, वो इस वेक्टर एडिशन के बिना पॉसिबल, मतलब सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा ये तो क्या होगा, रिजल्टेंट आर हो गया, और डार्क्स निकालते हैं, डार्क्स कौन देगा, अल्फा देगा, तो मैं निकाला टेंजेंट अल्फा, तो ये अल्फा है तो मैं ये निकालेंगे टेंजेंट अल्फा, तो ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस है, तो कितना आएगा, के एल अपॉन में जेड के, के एल किसकी इक्वल है, अभी निकाला था हमें के एल का वैल्यू है आपका बी साइन थीटा, तो ये कितना होगा, बी साइन थीटा हो गया, और ये कितना आएगा, जेड के आएगा, जेड के कितना आएगा, जेड वाई प्लस वाई के, जेड वाई प्लस वाई कितना आएगा, वाई के आएगा, जेड वाई कितना है, वेक्टर ए, और वाई के कितना है, बी कोस थीटा, यहाँ कितना आएगा, ए प्लस में कितना आएगा, बी कोस थीटा, तो ध्यान रखिएगा टेंजेंट अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा, इट विल प्रोवाइड अस डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम एडिशन। अगेन रिपीटिंग क्या बोलता है, तो वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, which are representing two adjacent or successive sides of a parallelogram is the diagonal of the parallelogram which is acting in the reverse order. तो वैक्टर आर जो है वो वैक्टर ए और वैक्टर बी का क्या रिजल्टेंट है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू बी कोस थीटा, और टेन अल्फा जो है क्या देगा, डायरेक्शन देगा, किसका डायरेक्शन देगा, रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर ए, उसका वैल्यू कितना होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम ऑफ एक्रीडेशन, राइट, ऐसा सेम एक्सप्रेशन कहाँ पर आया था, ट्रायंगल ऑफ एक्रीडेशन में आया था, राइट। तो अब कुछ केसेस लेके चलते हैं, जैसे हम जानते हैं रिजल्टेंट आर का वैल्यू ये वाला है और टेन अल्फा का वैल्यू ये वाला है, मान लेते हैं हम लेके चलते हैं केस नंबर वन, तो केस नंबर वन में क्या हो गया, मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू आपका जीरो है, थीटा किसके बीच में था, थीटा वाज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा जो एंगल है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, थीटा आपका जीरो है, इसका क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर ए होगा उसी डायरेक्शन आपका क्या होगा, वेक्टर बी होगा, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आपका वैल्यू कितना होगा, पुट कर दो यहाँ पर कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस जीरो, कोस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, बोले तो ए प्लस बी का स्क्वेयर ऊपर से क्या, स्क्वेयर रूट है, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा, है ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोस जीरो कितना आएगा, वन आएगा, ये आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी,
इक्वल आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर से क्या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो आंसर भी बताएगा ए प्लस बी। तो कीप इन माइंड दैट मान लीजिए दो वेक्टर है, क्या है, दो वेक्टर है और सेम डायरेक्शन में है, तो उनका वेक्टर एडिशन क्या होगा, हम सिबलिंग को जोड़ देंगे। फिर कहने का अर्थ है, मान लीजिए ए का वैल्यू कितना है तीन, मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना है तीन है और बी का कितना है चार है, तो दोनों बराबर है, दोनों राइट साइड में है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, थ्री प्लस फोर कितना होगा, सेवन होगा। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और यदि हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस लेके चलते हैं, केस नंबर टू। तो केस नंबर टू में क्या हो गया, मान लीजिए थीटा का वैल्यू आपका 180 डिग्री है, थीटा 180 मतलब क्या हुआ, थीटा 180 होने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एंटी पैरेलल है, कैसा है, एंटी पैरेलल। अगर ये आपका वेक्टर ए है तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों कैसे अपोजिट है, कैसे है अपोजिट। तो आर कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस 180, कोस 180 कितना होता है माइनस वन, है ना, कोस 180 का वैल्यू कितना आएगा माइनस वन आएगा, तो यहाँ कितना आएगा माइनस आएगा, तो कितना हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, बोले तो ए माइनस बी का स्क्वेयर, तो यहाँ क्या स्क्वेयर रूट है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या होगा कैंसिल होगा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आएगा ए माइनस बी, कितना आएगा ए माइनस बी, है ना। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर एंगल आपको 180 है तो कोस 180 कितना आएगा माइनस वन आएगा, तो ये आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ऊपर से आपका स्क्वेयर रूट है, तो क्या होगा स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा तो कितना आएगा ए माइनस बी, तो रिजल्टेंट आर का वैल्यू कितना हो गया ए माइनस बी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर यदि रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी। जैसे मान लो वेक्टर ए का वैल्यू है 4 मीटर का राइट साइड में, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 1 मीटर का लेफ्ट साइड में, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आएगा। अगर दो वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों के करेंगे माइनस कर देंगे, राइट। ये आपका केस नंबर टू हो गया। अच्छा एंगल वो निकाल लेते हैं डायरेक्शन। अच्छा यहाँ बताइए, जो टेन अल्फा का वैल्यू पहले केस में कितना आया, पहले केस में थीटा कितना था 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये कितना होगा 0 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू भी कितना आएगा 0 आएगा। बताइए अल्फा का वैल्यू 0 इसका क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा वो क्या है, वेक्टर ए के पैरेलल है और वेक्टर बी के भी क्या है पैरेलल है, वेक्टर ए के भी क्या है पैरेलल है और वेक्टर बी के भी क्या है पैरेलल है। जैसे मान लो ये 3 है, ये मान लेते हैं ये कितना होगा 4 हो गया, और ये भी कितना होगा 4 हो गया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 4 है, और डायरेक्शन क्या है सेम है, तो आपका जो रिजल्टेंट आर आएगा वो कितना आएगा, वो 8 आएगा, दैट वुड बी रिजल्टेंट आर। और रिजल्टेंट आर क्या है, ए के भी क्या है पैरेलल है, बी के भी क्या है पैरेलल है, तो वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। यहाँ जाइए, यहाँ कैसे होगा, यहाँ भी अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पर एंगल है 180, तो बी साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0, तो टेन अल्फा कितना 0, तो अल्फा भी कितना आएगा 0 आएगा, तो यहाँ भी अल्फा का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0, राइट। इसका वैल्यू क्या हुआ, ऐसे मान लेते हैं वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए का वैल्यू है मान लीजिए आपका 4 हो गया, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, मान लीजिए वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया, है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होता है ए माइनस बी, कितना होता है ए माइनस बी, ये 4 है, ये कितना है 3 है, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया, तो ये आपका क्या होगा वेक्टर आर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन करेंगे हम क्या करेंगे, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, और रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम उनके मैग्नीट्यूड को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। अगर केस नंबर 3 लेके चलें तो केस नंबर 3 में क्या आएगा, मान लीजिए लेके चले केस नंबर 3, तो मान लीजिए केस नंबर 3 में थीटा का वैल्यू बेसिकली 90 है, कितना है 90, थीटा 90 है, इसका क्या हुआ, थीटा 90 से मैंने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मेरे कहने का मतलब ये आपका क्या होगा वेक्टर ए होगा, और ये आपका क्या होगा वेक्टर बी होगा, तो ये आपका क्या होगा वेक्टर बी होगा, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका क्या वेक्टर बी है,
दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एंगल कितना 90 है, कितना है 90। तो रिजल्टेंट क्या होगा आर, आर आपके पास रहेगा कितना आएगा, रूट ऑफ कितना होगा ए स्क्वेयर प्लस में कितना होगा बी स्क्वेयर, बिकॉज हम सब जानते हैं कोस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ मैंने पुट किया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना 0, तो ये टर्म कितना आएगा 0 आएगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो रिजल्टेंट आर होगा उसका वैल्यू कितना आएगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस कितना आएगा बी स्क्वेयर आएगा। अच्छा डायरेक्शन निकालते हैं टेंजेंट अल्फा है ना, एंगल थीटा कितना 90 है, तो कितना आएगा बी साइन 90, साइन 90 कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ कितना होगा बी हो गया, रिजल्ट नीचे कितना होगा ए हो गया, और यहाँ कितना हो गया कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0। तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बी होने, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा टेंजेंट इन आंसर बी अपॉन है ना, जो आपका एंगल अल्फा आएगा उस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा टेंजेंट इन आंसर बी अपॉन राइट। तो ध्यान रखिएगा आर का वैल्यू कितना होगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो यहाँ का वेक्टर ए है, यहाँ का वेक्टर बी है, तो ऑफकोर्स सी वाला क्या होगा वेक्टर आर होगा है ना। और अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे आर का तो कितना आएगा आर स्क्वेयर इस वैल्यू कितना आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो आर का वैल्यू कितना होगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर राइट। तो ध्यान रखिएगा दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे दोनों का मैग्नीट्यूड को एक दूसरे से सबट्रैक्ट कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है जैसे आप जानते हैं कि थीटा का वैल्यू मान लीजिए एक्यूट है, थीटा का एक्यूट है, थीटा क्या है एक्यूट है, थीटा अगर एक्यूट होगा तो कोस क्या होगा पॉजिटिव होगा, कोस पॉजिटिव होगा तो अपने आप ही क्या होगा वेक्टर एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर एडिशन। और वेक्टर सबट्रैक्शन कब होगा जब थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज होगा, मान लीजिए थीटा का वैल्यू मोर देन 90 है तो थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज होगा तो कोस क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा वेक्टर सबट्रैक्शन हो जाएगा राइट। जब थीटा का वैल्यू आपका एक्यूट होता है लेस देन 90 होता है तो क्या होता है एडिशन होता है, और जब थीटा का वैल्यू आपका मोर देन 90 होगा मतलब थीटा को ऑब्ट्यूज होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा वेक्टर सबट्रैक्शन हो जाएगा। फिर रिपीट करता हूं, अल्फा में क्या देता है, अल्फा में डायरेक्शन देगा किसका रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, मतलब रिजल्टेंट जिसके साथ डायरेक्शन बनाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए के साथ डायरेक्शन बनाया तो अल्फा में क्या देगा, अल्फा में देगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए राइट। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये जो केसेस मैंने डिस्कस किए और जो मैंने पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन डिस्कस किया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम ऑर्डर में क्या होते हैं जो वेक्टर बी का टेल क्या करेगा वेक्टर ए के हेड को टच करेगा है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका मान लीजिए वेक्टर बी है, और मान लीजिए ये आपका वेक्टर सी है, बोलो सेम ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में है, बी का टेल क्या करेगा एक हेड को टच करेगा, सी का टेल क्या करेगा बी के हेड को टच करेगा, तीनों वैक्टर किसमें है सेम ऑर्डर में, किसमें है सेम ऑर्डर में। अच्छा बताइए अगर मैंने एक वैक्टर ड्रॉ किया तो बताइए आर और सी किसमें है, ये आर का भी क्या है हेड है, सॉरी आर का भी क्या है हेड है और सी का भी क्या हैड है, ये आपका आर है तो ये आर का भी क्या हैड है और सी का भी क्या हैड है, तो आर और सी किसमें है रिवर्स ऑर्डर में है, ए बी सी सारे सेम ऑर्डर में है बट आर जो है बेसिकली क्या रिवर्स ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा या एरो कनेक्शन बहुत ही महत्व होता है महत्वपूर्ण होता है रिजल्ट, बोले यदि आप ये एरो नहीं लगाएंगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा कीप इन माइंड। नेक्स्ट हम करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन क्या होता है जिसमें काफ़ी साइड होंगी है ना, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी साइड हो सकती है, तो मान लीजिए वहाँ से एक पॉलीगन है, ये मान लीजिए आपका वेक्टर क्या होगा ए हो गया, ये मान लीजिए आपका वेक्टर क्या होगा बी हो गया, ये मान लीजिए आपका वेक्टर कितना हो गया सी हो गया, ये मान लीजिए आपका वेक्टर कितना हो गया डी हो गया रिजल्ट, और ये मान लीजिए क्या होगा वेक्टर ई हो गया। बताइए ए बी सी डी, ए बी सी डी किस ऑर्डर में है, देखो बी का टेल ए के हेड को टच करेगा, सी का टेल बी के हेड को टच करेगा, डी का टेल सी के हेड को टच करेगा, ई का टेल बी के हेड को टच करेगा, तो सारे के साथ सेम ऑर्डर में है, किस में है सेम ऑर्डर में है। यहाँ से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसको नाम दिया वेक्टर आर, बोलो वेक्टर आर किसमें है, वेक्टर आर आपका रिवर्स ऑर्डर में है, किसमें है रिवर्स ऑर्डर में है ना,
तो वेक्टर आर जो है वो क्या है, ई के साथ रिवर्स ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, बी का टेल ए के हेड को टच करेगा, सी का टेल बी के हेड को टच करेगा, डी का टेल सी के हेड को टच करेगा, तो ए बी सी डी सारे सेम ऑर्डर में है, और जो आपका आर है वो किसका रिवर्स ऑर्डर में है, राइट। तो ये जो वेक्टर आर है, जो वेक्टर आर है वो क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी और वेक्टर ई सबका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। मतलब पॉलीगन का वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, पॉलीगन का वेक्टर एडिशन बोलता है इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स, जैसे पांच वेक्टर होंगे, एक दो तीन चार पाँच, और सारे किसमें हैं, सेम ऑर्डर में हैं, और सारे क्या करेंगे, पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, वो होता है क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन व्हिच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन का वेक्टर एडिशन। अगेन रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन का वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई विच आर एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर एंड विच आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन व्हिच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ये जो आर है वो ए बी सी डी सबका क्या है, वेक्टर सम है, रिजल्टेंट है। तो आर कितना आएगा, वेक्टर आर आएगा वेक्टर ए प्लस क्या आएगा वेक्टर बी प्लस में क्या आएगा वेक्टर सी प्लस में क्या आएगा वेक्टर डी प्लस में क्या आएगा वेक्टर ई। तो आपका जो वेक्टर आर है वो ए बी सी डी सबका क्या है, रिजल्टेंट है। इसको हम बोलते हैं पॉलीगन का वेक्टर एडिशन, क्या बोलते हैं, पॉलीगन का वेक्टर एडिशन। प्रूव कर लो, बहुत सिंपल है, कैसे देखो, यहाँ से मैंने उसको मिलाया, अब देखो इन दो वेक्टर को देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों किसमें हैं, सेम ऑर्डर में है, है ना। और ये जो मैंने ड्रॉ किया वेक्टर, ये किसमें है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये जो है इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये है आपका वेक्टर ए प्लस में क्या होगा, वेक्टर बी हो गया। सिमिलरली मैंने उसको यहाँ से ऐसा मिलाया, इसको जब ऐसे मिलाऊंगा तब देखो वेक्टर ए प्लस बी ये वाला वेक्टर और वेक्टर सी किसमें है, सेम ऑर्डर में है। ए प्लस बी वाला वेक्टर और वेक्टर सी किसमें है, सेम ऑर्डर में है। और ये जो साइड है ये किसमें है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये जो वेक्टर है वो इसका और इसका क्या रिजल्टेंट है। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा वेक्टर ए हो गया, क्या हो गया वेक्टर बी हो गया, साथ में क्या होगा आपका वेक्टर क्या होगा, सी हो गया, है ना, यहाँ पर वेक्टर बी है। अब देखो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी ये वाला वेक्टर और वेक्टर डी किसमें है, सेम ऑर्डर में है, किसमें है, सेम ऑर्डर में। और ये वाला जो वेक्टर है वो किसमें है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये वेक्टर कितना आएगा, यहाँ पर वेक्टर आएगा वेक्टर ए प्लस में क्या होगा, वेक्टर बी हो गया, प्लस में क्या होगा, वेक्टर सी हो गया, प्लस में क्या होगा, वेक्टर डी हो गया। और ये जो वेक्टर है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये क्या है, वेक्टर ई है। तो ये वाला देखो, ये ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला सेम ऑर्डर में है और ये आपका किसमें, रिवर्स ऑर्डर में है। तो आर जो है, जो आर जो है वो क्या है, इसका और इसका रिजल्टेंट है। ये वेक्टर कितना है, ये आपका वेक्टर है वेक्टर ए, प्लस में क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, प्लस में क्या होगा, वेक्टर सी हो गया, प्लस में क्या होगा, वेक्टर डी हो गया, ये वेक्टर दस का। और ये कितना है, प्लस सी, तो ये आपका कितना होगा, प्लस सी हो गया। तो इन सबका रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर आर आएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन वेक्टर एडिशन। देखो दोबारा भी कर रहा हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी दीज आर एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर एंड दीज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन, राइट। देन देयर रिजल्टेंट वुड बी क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन व्हिच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन वेक्टर एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ एक्रीडिशन। तो कीप इन माइंड दैट ट्रायंगल ऑफ एक्रीडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्रीडिशन के यदि आपको नहीं आएगा तो आप डिवाइडर सोल्व नहीं कर पाएंगे, इजंट, चाहे वो प्लस वन हो चाहे प्लस टू हो चाहे वो हायर क्लासेस हो। ट्रायंगल ऑफ एक्रीडिशन का और पैरेललोग्राम ऑफ एक्रीडिशन का तो आपका जो प्रूफ है वो क्या सेम ही है, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है पैरेललोग्राम ऑफ एक्रीडिशन, राइट। तो अब इसको कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है, मान लीजिए हमें दो वेक्टर गिवन है, एक है आपका वेक्टर पी और एक है आपका वेक्टर क्यू, ऐसा मान लेते हैं। एक क्या होगा वेक्टर पी हो गया और एक क्या होगा वेक्टर क्यू हो गया, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, किसमें है, सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट है 10 न्यूटन, कितना है 10 न्यूटन। सेम डायरेक्शन बोले तो एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया, और एंगल जब जीरो होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, अभी निकाला ए प्लस बी, इसको ए मान लो ना, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी मान लिया। तो एंगल इनके बीच में 0 डिग्री है,
तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो रेजिडेंट क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी बिकॉज दोनों के दोनों क्या पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है, 10 गिवन है। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है, क्या बोला कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 10। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। फिर क्या बोला, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना 90 है, कितना है 90, तो एक का रिजल्टेंट कितना है 50 है, कितना है 50। अच्छा जब थीटा 90 होगा तो बोलो रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट आपका होता है रूट ऑफ कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा, बी स्क्वेयर, और इसका वैल्यू कितने गिवन है, 50 न्यूटन में गिवन है। थीटा 0 तो रिजल्टेंट ए प्लस बी हो गया, थीटा 90 तो रिजल्टेंट कितना हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो गया, इसका वैल्यू 50 है। तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लो, बी का वैल्यू उठा के यहाँ बुक कर देंगे और इधर ही कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो बी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 माइनस ए आएगा, तो ये कितना हो गया, 10 माइनस ए हो गया। बस बुक कर दो, क्या दिक्कत है, ये तो आपका ए स्क्वेयर है ही, साथ में कितना आएगा, 10 माइनस ए का स्क्वेयर, कितना आएगा, 10 माइनस ए का स्क्वेयर। तो यहाँ कितना आएगा, आपका 100 आएगा, 100 के साथ आपको कितना आएगा, ए स्क्वेयर आएगा, माइनस में कितना आएगा, 20 ए आएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 50, यहाँ से स्क्वायर लगाते हैं तो 50 का स्क्वेयर कितना हो गया, 2500 हो गया, राइट। तो ए स्क्वेयर आपका यहाँ पर है, ए स्क्वेयर आपका यहाँ पर है, तो कितना होगा, 2 ए स्क्वेयर, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 ए स्क्वेयर हो गया, यहाँ कितना होगा, माइनस 28, तो ये आपका माइनस 20 ए हो गया, राइट। 2500 है, 300 है, तो ये कितना हो गया, ये होगा माइनस में 2400 है ना, दैट कम्स आउट टू 0। बस यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालेंगे, और जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, है ना। बाकी सोल्व आपको करना है, सोल्व कीजिएगा बताइएगा क्या आंसर आएगा। यहाँ से भी क्या करना है, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आप जानते हैं, आप इसलिए क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे, तो सीधा कर लो, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना होगा, 10 ए हो गया, यहाँ कितना होगा, 1200 हो गया। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, और सोल्व करने के बाद आप ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जब ए का जो वैल्यू आएगा उसको उठा के आप कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, बी का वैल्यू निकल आएगा। मुश्किल था, बहुत सिंपल है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट ए प्लस बी होता है, उसका वैल्यू 10 हमें गिवन है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 है, तो कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा, 50 हो गया, है ना। तो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, यहाँ से हमें ए और बी निकालना है। मैंने ऊपर से क्या किया, बी का वैल्यू 10 माइनस ए निकाल लिया, उस 10 माइनस ए के बाद यहाँ बुक कर दिया, और फिर हमें ए का वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू सोल्व कर लीजिएगा, और वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। चले आगे, तो बहुत अच्छा निकल है। चलिए ए पर लाइट वर्क करते हैं। बस मान लीजिए मुझे दो वेक्टर की वैल्यू, हमारा पहला वेक्टर कितना है, पी प्लस क्यू है, दिस इज वेक्टर ए, इंडिया का वेक्टर ए है, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू मान लेते हैं पी माइनस क्यू हो गया, और रिजल्टेंट कितना मान लें, रिजल्टेंट का वैल्यू सपोज करो में गिवन है रूट ऑफ 3p² प्लस q स्क्वायर, राइट। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका रिजल्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल निकालना है। तो इस हिसाब से क्या क्वेश्चन होगा, हम सीधे जाते हैं, आर कितना होता है, आर होता है रूट ऑफ, यहाँ से ले लो, चलो जी लो भैया, आर का वैल्यू कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस में कितना होगा, 2ab इंटू में कितना होगा, कोस थीटा, यहाँ से हमने रूट हटा दिया, यहाँ क्या देखो स्क्वायर लगा दिया, बस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर का वैल्यू है 3b² प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आएगा पी प्लस क्यू का स्क्वेयर, तो कितना आएगा, पी स्क्वेयर आएगा, प्लस में कितना आएगा, क्यू स्क्वेयर आएगा, प्लस में कितना आएगा, 2pq आएगा। बी क्या है, बी आएगा पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू का स्क्वेयर कितना आएगा, पी स्क्वेयर आएगा, प्लस में क्यू स्क्वेयर आएगा, माइनस में कितना आएगा, 2pq आएगा, प्लस में कितना होगा, 2 ए पी प्लस क्यू बी पी माइनस क्यू, तो कितना आएगा, पी स्क्वेयर माइनस में क्यू स्क्वेयर इंटू में कितना आएगा, कोस थीटा। बस सॉल्व कर लो, सॉल्व तो करना है, पी स्क्वेयर पी स्क्वेयर टू पी स्क्वेयर या थ्री पी स्क्वेयर, तो क्या आएगा, पी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर टू क्यू स्क्वेयर, यहाँ क्यू स्क्वेयर तो कितना आएगा, माइनस में क्यू स्क्वेयर हो गया ना, प्लस 2pq माइनस 2pq कैंसिल हो गए, यहाँ कितना होगा, 2 टाइम्स कितना होगा, पी स्क्वेयर हो गया, माइनस में कितना होगा, क्यू स्क्वेयर हो गया, इंटू में कितना आएगा, कोस थीटा आएगा।
टी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर ने टी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर को मार दिया तो कितना आएगा 1/2। तो 1/2 इक्वल टू हाउ मच कितना होगा कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू बेसिकली कितना होगा 60 डिग्री, है ना। कोस थीटा का वैल्यू 1/2 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। दिस वुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, राइट। जो वेक्टर ए होगा जो वेक्टर बी होगा उसके बीच में एंगल कितना आएगा बेसिकली 60 डिग्री आएगा। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल लेके चलते हैं आज के लिए, फिर कल हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए मैंने दो वेक्टर गिवन है, कितने के वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनका रेशियो है 3:5, कितना है 3:5 दोनों का क्या है रेशियो है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। और ऐसा मान लो कि आपका वेक्टर ए का मॉडुलस हो गया और यह आपका वेक्टर बी का मॉडुलस हो गया, तो इनका रेशियो कितना है 3:5 है, राइट। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट का वैल्यू में गिवन है 35 न्यूटन, मान लो मान लीजिए फोर्स है तो क्या होगा 35 न्यूटन हो गया। तो मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल रहा है ना, तो ये 3:5 है तो कितना होगा, पहला कितना होगा 3x हो गया, दूसरा कितना होगा 5x हो गया। या आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो रिजल्टेंट आर कितना होता है, आर स्क्वेयर कितना होता है, आर स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में कितना होता है 2ab cos थीटा, ये होता है। बस पुट करो कितना हो गया 35 स्क्वेयर, यहाँ पर 35 स्क्वेयर आएगा ए, वेक्टर ए कितना होगा 3x, तो 3x स्क्वेयर कितना आएगा 9x स्क्वेयर आएगा, प्लस में कितना आएगा 5x, तो ये कितना आएगा 5x स्क्वेयर आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 5x कितना होगा 15x स्क्वेयर। तो 15 को जो कितना हो गया यहाँ पे आ गया 30x स्क्वेयर, सही कह रहा मैंने, हाँ 2 इंटू 3x 6 6 5 30, तो 30x स्क्वेयर हो गया, साथ में कितना होगा cos थीटा, तो यहाँ पे क्या निकल आया cos थीटा, ठीक है यहाँ पे क्या निकल आया cos थीटा, अरे थीटा भी नहीं गिवन होगा, है ना, बिकॉज इक्वेशन तो एक बनेगा और वेरिएबल दो हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। मान लीजिए थीटा का वैल्यू कितना है 60 है, मान लीजिए मैं क्या गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है 60 है, तो यहाँ कितना आएगा cos 60, दिस कम्स आउट टू cos 60, राइट। बस सोल्व कर लो, बताइए 35 का स्क्वेयर कितना आएगा, 35 का स्क्वेयर आएगा शायद 1225 है ना, ये 5 हो गया, ये 17 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, है ना, तो कितना होगा 5 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा 2 होएगा, यहाँ पर हाँ सही है, यहाँ पर आएगा 1225, यहाँ कितना आएगा 9x स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा दैट कम्स आउट टू 34x स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा cos 60, cos 60 1/2 होता है तो 15 होता है ना, तो 15x स्क्वेयर, 15 प्लस 34 कितना होगा 49x स्क्वेयर, कितना हो गया 49x स्क्वेयर। तो x निकाल लो, x का वैल्यू कितना हो गया 1225 अपॉन में कितना होगा 49, क्या कैंसिल होगा देखते हैं, 7 × 7 कितना आएगा 52, है ना, हाँ 135 यहाँ कितना होगा आपका 7 होगा। और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो ये कैंसिल होगा, तो ये कितना होगा 2 हो गया आपका रिजल्ट, और यहाँ कितना होगा 5 हो गया, तो x का वैल्यू बेसिकली कितना होगा 25 हो गया। बस हम क्या करेंगे x की जगह यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3 × 25 कितना हो गया 75, तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना होगा 75 हो गया, तो यहाँ वेक्टर पुट करेंगे तो ये कितना होगा 125 होगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 75 आएगा और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 125 आएगा। सो दीस वर द सिंपल न्यूमेरिकल्स, तो टुडे वी विल कीप दीस न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी कैन से गुड नाइट।